प्रदेश में 22 साल बाद छात्र संघ के अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहे हैं, जहां एक तरफ कड़ी सुरक्षा के बीच इन चुनावों को करवाया जा रहा है तो वहीं विपक्षी छात्र संगठन लगातार इन चुनावों का विरोध कर रहे हैं। 22 साल बाद हरियाणा की धरती पर सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव करवाने का ऐलान किया था, लेकिन सरकार के इस ऐलान के बाद ही एबीवीपी को छोड़कर तमाम छात्र संगठनों ने इसका लगातार विरोध किया और प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाने की मांग की थी। लेकिन आज प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष छात्र संगठन लगातार इन चुनाव का विरोध कर रहे हैं। छात्र संगठन चुनाव का बहिष्कार किया और अपने उम्मीदवारों को चुनावी दंगल में नहीं आ रहा, लेकिन एबीवीपी को टक्कर देने के लिए छात्रों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 14 कॉलेज में छात्रों ने शांतिपूर्वक मतदान भी किया। बहरहाल अब देखना ये होगा कि छात्र संगठन चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार बाजी मारते हैं या फिर बीजेपी समर्थित छात्र संगठन एबीवीपी जीतता है। क्या नाम है? गौरव टाक नाम है और मैं इनसो से सिटी प्रेजिडेंट हूँ। और जैसे कि अभी आपको पता ही लग रहा होगा कि चुनाव की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, सुबह 9 बजे से लेकर आज 12 बजे का समय हो रहा है दोपहर का, और सभी सीआर की जो नॉमिनेशन है वो हो चुके हैं और वोटिंग सर्च की इसका चल रही है। और इसकी प्रक्रिया में आप इनकी असेंबली चल रही है, जो प्रिंसिपल कॉलेज का जो भी स्टाफ है वो सब इसकी असेंबली में सबको इकट्ठा करके सीआर, आज 116 सीआर गर्ल्स कॉलेज से आए हैं हमारे सामने, और पूरे गुड़गांव में चाहे वो लॉ कॉलेज हो, पीजी कॉलेज सेक्टर 9 हो, पीएचडी कॉलेज हो, उसमें से हमारे पूरे गुड़गांव के अंदर 266 सीआर बन गए हैं। जो 266 सीआर हमारे बन के आए हैं, आप ये मान के चलो मेरी बात, तो इंडिविजुअली लड़ रहे हैं और आने वाले समय में जो इंडिविजुअली जो कैंडिडेट खड़े हैं वो निष्पक्ष रूप से अपनी कॉलेजों के अंदर सरकार बनाएंगे। और जो शिखा राघव जो इंडिविजुअली प्रेजिडेंट की इलेक्शन फाइट कर रही है गर्ल्स कॉलेज से, जैसे कि अनुमान और आंकड़े अभी तक बता रहे हैं कि वो लड़की सबसे ज्यादा बहुमत से पूरे गुड़गांव के अंदर जीतने जा रही है। क्या नाम है आपको? अमृता मिश्रा। अमृता, आज चुनाव हुए हैं, क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा आपको? अभी तक तो कोई परेशानी नहीं थी हमें, पर हाँ, अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो एक्शन जरूर लिया जाएगा। तो क्या कितने कब तक चुनाव स्टार्ट हुआ था, कब तक हुआ? 9 बजे से 9:30 बजे तक सीआर का चुनाव था। 12:30 बजे हमारे सीआर बैठ चुके हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट को। अगर एवीपी कुछ करती है तो ज़रूर एक्शन लिया जाएगा और हम लेंगे।